कहाँ हो गए रे? कैसे बूढ़ी ले उतरा उतरा आया हुआ था? हमला गुरुजी मारी। गुरुजी तो अलमारी से? हाँ। तो कहाँ हो गए? गुरुजी के मारपीट और माता पिता के डांट फटकार से शिक्षा मिलते, ज्ञान मिलते, संस्कार बनते बेटा, तते काय करे? हम भी गुरुजी मारे। गुरुजी ने तो मार दे। जौन हो गए तौन हो गए, कल ही चल देवी स्कूल। नहीं जा। काबर? हमला की ही से। काय की से? तोर बाप की स्कूल है का की के? तो वो मोरी स्कूल कैसे हो जाए? बात वहाँ कमाल गिरे नहीं। अरे भाई अकाल दुकाल में दुनिया निकल जाती आदमी जिए खाए वाले, दो चार दिन जाके वहाँ काम करते हैं उसके मोर स्कूल हो जाए। जौन हो गए तौन हो गए, कल ही चल देवी स्कूल पढ़े बार। नहीं जाना। नहीं जास? हाँ। देख एक तो हमार जमाना में जगह जगह स्कूल नहीं रही से, तेकर पा के हमार माँ बाप पढ़े से लिखे से नहीं, और पढ़ गरी से अकाल दुकाल तो हमला स्कूल नहीं भेजी। हम रह गए गधा के गधा। मैं सोचे मोर लड़का मन पढ़ लिख के सज्ञान हो जाएंगे के तो नहीं स्कूल नहीं जाऊँ कहा था। एक तो आजकल के जमाना में गाँव गाँव में जगह जगह स्कूल हो गए, तो चल देवे भाई पढ़े बड़ी स्कूल। मैं नहीं जाऊँ, मैं वो स्कूल में थुक के नहीं जाऊँ। देखे एकर बावजूद नहीं जाओ कहा थे हम? अरे तू मन स्कूल नहीं जाऊ, पढ़ू लिखू नहीं तो काय करू? का देश के सेवल करू? देश घर के माता पिता के सेवल नहीं कर सको साले। स्कूल नहीं जाओ कहा था? स्कूल नहीं जाबे तो काय करबे? जाऊ वो सेठ बरवाड़ी के घर में गुलामी करे पर, ओकर तलवा चाटे पर। जौन दिन खान में कौत पड़ जाही ना तौन दिन सोचू हमार माँ बाप बहुत पढ़ाए के कोशिश करेगा, नहीं पढ़े लिखे के रोह साले हो। नहीं जाओ कहा था? मैं कहा था तो हाथ गोल बांध के देखू काली जाबे स्कूल। मेरे जो क्या मतलब? नहीं मिल जाओ बहुत कब? नहीं जाओ था? नहीं जाओ। ये तक समझा के बात भी स्कूल नहीं जाओ कहा था? स्कूल नहीं जाबे तो क्या करबे? तोर बार छेरी भेड़ी ले हूँ साले, वही दिन भर चरावत रहे। मत रो घोंडूल, तोरा स्कूल नहीं जाना है ना? नहीं जा। तब ते जान जाबे, मैं उस स्कूल ले आऊँ, घर पे तोला पढ़ाऊँ भाई, तोला साक्षर बनाऊँ, ये मोर वादा है घोंडूल, ये तोर बड़े भाई के वादा है। चल अब खाना खाओ। नहीं तेरी खावे के मैं कैसे खा लूं भाई? चल परमिला, ये परमिला, ये भाई नहीं पोथी वो तेरी घर में काय करत रहते थे? ये तक जोर से चिल्लाओत होते मां परमिला। अरे दस बज गए, करवा गए, उछल गए, वो टूरा घोंडू लपेट छेरी भेड़ी से राबर जाहि साले, जल्दी भेज। और हम दादा मोरे मोर ले के कोरे मोर बाबा दिया, बाबा दिया रे पूरा जग
माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ले आए आओ। नहीं हम घोंडुल नहीं पचकौट लिखा है बने देख। नहीं मैं दोंगुल के नाम लिखा है घोंडुल। हाँ तो घोंडुल तो स्कूल स्कूल जाबे नहीं करे माध्यमिक शिक्षा मंडल से होकर का मतलब नहीं बोला तो मोजा ना दोंगुल तो निदात दी जरा थोल दिली थे। हाँ फिर तो बले लतल बुद्धे माला दाए ला देखा दाना तो यो ला दे पचकौट। ए पचकौट देख तो चिट्ठी है क्या लिखी
बाबू गोंडुल के सर्टिफिकेट है। गोंडुल के सर्टिफिकेट? हाँ, हमारे भाई है दसवीं में अच्छा अच्छा पास हो गए बाबू। अरे वो तो स्कूल नहीं जाओगे कि मुड़ी पटक दे रही से, स्कूल जाबे नहीं करत रही से, ओकरे पैक ओकर पर शेरी भेड़ी ले। हाँ वो तो दिन रात शेरी भेड़ी चरा हुआ थे, कहाँ वह पास हो जाए ओकर सर्टिफिकेट आ जाए रे। तब तो एक बात ला नहीं जाना बाबू। का बात? मैं स्कूल आवाऊ ना तो घर में घोंडुला पढ़ावा हूँ। और रायपुर शिक्षा मंडल ले बोला दसवीं के प्राइवेट परीक्षा दिलवा रहे हूँ बाबू, वही परीक्षा में हमारे भाई अच्छा अच्छा पास हो गए बाबू। या और तुम आज तक मुझसे सब बात छिपावत रहे हो? हाँ बेटा, मैं बोला नालायक है के बहुत मारत पीटत रहे हो रे, कहा है मोर इज्जत ला बचा के रख लियो तू बंधा। बोला तो घोंडुल कहाँ है? घोंडुल? ए भाई घोंडुल। हाँ बाबू। बेटा मैं तोला नालायक है के बहुत मारत पीटत रहे हो रे, आज मोर नाक ला बचा लियस, आज मोर समझ में आ गए हमर छत्तीसगढ़िया बेटा कोनो नालायक नहीं है। ओ मल्ला एक बार मौका मिलना चाहिए, फिर अपन होशियारी दिखा सकते, हमर छत्तीसगढ़िया बेटा सब लायक है, आज मोला विश्वास हो गए। बेटा मैं तो नालायक ही के बहुत बार पिटत रहे हूँ, मोला माफ कर दे बाबू। ऐसे कहीं के मोला शर्मिंदगी मत करगा, आज मोला एक चटकन नहीं मारते, मोला एक डांट नहीं लगाते, प्याज में गधा के गधा रहते बाबू, वही डांट और वही चटकन मार मोले पत्थर बने। आज मोर बड़े भाई जे पान चिंती पढ़ाई ला बचा के मोला पत्थर बने कहे के बाबू, गुरु बिना ज्ञान न पाऊँ कैसे उसके शरण में जाऊँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा चश्मे श्री गुरु बाबू, सब आपकी कृपा है बाबू। अब जय हो बेटा, आशीर्वाद। मोर एक बेटा शिक्षा कर्मी, दूसरा हो गए साक्षर, और मैं तो अब हो गया सियान। मैं सोचा था तुहर मन के शादी पर बिहाव कर दे कहके, तब मोला कोनो में लड़की देखे जान लगी कि तुम लड़की देख रहे हो जी? नहीं लगे बाबू। काबर? मेरे साथ शिक्षा कर्मी सेवा दे थे गा। वाह, शिक्षा कर्मी ला शिक्षा कर्मी ही तो मिली, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा? ओकर नाम बाबू। हाँ ओकर नाम चंदा है बाबू। चंदा? बहुत बढ़िया नाम है। और घुंडुल ताहू कोनो में जुगाड़ पानी करे से बेटा? बाबू आगे बढ़ाना कहानी बाबू। हाँ हमारे दोनों धन के सारे पापा हो गए। सारे के पापा हो गए? ये तो सरगम मोर समझ में नहीं। वो टीवी का थे और मोबाइल में कथे आजकल। हाँ हाँ आई आई लड़कक ला आई ला कृपया खाली स्थान भरो। खाली स्थान में क्या आया है? आई लव यू। हाँ मैं बोला के हूँ। हाँ वो बोला की का हम फिर के हैं बोला। हाँ या हाँ हम अगर जाबी नहीं है कि के। हाँ हाँ तब वो की से हाँ जहूँ। हाँ फिर कहते घुंडुल। हाँ हमार भारत सरकार स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय बनाया है। तो आपके यहाँ शौचालय बनवाया है कि नहीं बनवाया है? पिताजी है ऐसे किस मोला लेके हमारे यहाँ पिताजी तो अभी तक शौचालय नहीं बनवा है घर में। वाह तुम्हारा का शौचालय नहीं बने हैं तो हम तो सब शादी नहीं करें, नहीं जान तुम्हारा घर ऐसे कह दी बाबू। वाह ये तो हमारे शिक्षा कर्मी बहुत से भी ज्यादा साक्षर लगे थे। मैं समझत रहे छेरी चरवाहा गोबर ही मिल ही गई पढ़े लिखे। हाँ कहाँ से? दसवीं बाबू दसवीं पास। वाह 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 क्या नाम है बेटा? कुकर। सकून। वो रात भर सकून मिल गए रे, और एक बहु चंदा दूसरा सकून, बहुत बढ़िया। बेटा जब हमारे घर में शौचालय बनी त
तबे हमार घर दोनों छिन बहू बन गया ही। और दाई देदा भाई बहनी हो तहो मन कान खोल के सुन लो, अपन अपन घर में शौचालय बनवाओ और शिक्षित बहू पाओ। हाँ, और शिक्षा से जी झंझो रहो, पढ़ाई लिखाई बहुत आसान हो गई आजकल। सरकार बहुत योजना परियोजना निकाला थे और बहुत सहायता करते थे शिक्षा खातिर। घर बैठे शिक्षा प्राप्त किया जा सकते, ओपन परीक्षा के माध्यम से पत्राचार के द्वारा ये सब संभव है। पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पढ़ के बाद जोड़ीदार बड़ा मजा आती, पढ़ के बाद जोड़ीदार बड़ा मजा आती, पढ़ के बाद जोड़ीदार। आप हैं हमारे लोक छाय परिवार के, जिनको आप अभिनय करते हुए इस रंगमंच में देखे साक्षर बेटा के रूप में। अनूप राय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, मैं निवेदन चाहता हूँ। आप अभी बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग की शिक्षा लेके, बी की शिक्षा लेके आप वर्तमान में पीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिलासपुर से। ऐसे लोक छाय परिवार के होनहार कलाकार भाई अनूप राय जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप हैं जितेंद्र तांडिया जी, जिला जिन्हा आप सब लोग बहुत हसैस गुदगुदैस। आप सब लोग बता देना चाहता हूँ, आप अपन गांव के कोटवार घलाओ और लोक छाया परिवार के हास्य कलाकार घलाओ। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई जितेंद्र तांडिया जी पर। ठीक हमर ओकर बाजू में खड़े है जे बसना के पावन धरती ले चल के आते रायपुर और जोड़ जाते लोक छाया परिवार के संग। अभी आप एमए के शिक्षा लेके बाद, डीएड के शिक्षा लेके बाद आप वर्तमान में आप भी कंपटीशन एग्जाम के तैयारी करत हो। ऐसा लोक छाय परिवार के होनहार कलाकार भाई गोकुलानंद चौहान जी बड़ जोरदार ताली हो जाए। ठीक हमर संग और जुड़े रहे से जिला आप मन हा सुनत रहे और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत नृत्य है और उतना ही तोतरा बेटा के रूप में रंगमंच में दिखत रहे से। और एक बार ओकरो पर जोरदार ताली चाहता हूँ घना नागरची जी, यहू आपे के क्षेत्र के कलाकार आए और हमार जम्मो कलाकार पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। अब आवा ये रंगमंच ला सजा।